बालिका शिरोमणि 105 गुरु नंदिनी माता जी के श्री चरणों में मेरा कोटि से नमन। परम पूज्य आदिका संघ में विराजित सभी आदिकाओं माता जी को मेरा कोटि से नमन। मैं ओम पाटनी इचल करण जी। हे माता जी, मेरी एक शंका है कि जब तीर्थंकर भगवान ग्रस्त आश्रम में रहते हैं या ग्रस्त अवस्था में रहते हैं तो क्या वो भगवानों पूर्व तीर्थंकरों की पूजा करते हैं क्या? जैसे भगवान महावीर स्वामी ने अपने ग्रस्त जीवन में भगवान आदिनाथ से लेकर पार्श्वनाथ भगवान की पूजा की, क्या कभी उन्होंने देव दर्शन और अभिषेक किए, क्या कभी उन्होंने महाराज वगैरह को आहार दिया क्या? एक शंका है। और दूसरा माता जी, एक सामाजिक विषय है। आज समाज संतवाद और पंथवाद में बढ़ता जा रहा है। बहुत सी जगह में एक संघ के आचार्यों को आहार दिया जाता है, लेकिन दूसरी बार कोई भी पीछेधारी वहां पे आते हैं तो उनको आहार के लिए भी वहां पे चौकने लगते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? साधु जिम्मेदार है या सावर जिम्मेदार है? इनका खुलासा करने की कृपया आप कृपा करें। वंदा में माता जी, वंदा माता जी, वंदा में माता जी। ओम पाटनी जी, यद्यपि तीर्थंकर भगवान ग्रस्त अवस्था में किसी की पूजा अर्चना नहीं करते और ना ही वह किसी दिगंबर मुनिराज को आहार देते हैं, चारण रिद्धिधारी उनके पास से गुजरे ही थे कि उनकी शंका का समाधान हो गया था। तीर्थंकर भगवान ना ही दर्शन करते हैं, ना ही पूजन करते हैं और ना ही आहार देते हैं। और दूसरा प्रश्न आपका ये है कि जो साधु संतों को चौका नहीं लगाते, आज संतवाद पंथवाद बढ़ता जा रहा है। आप सही कह रहे हैं, संतपात और पंथपात बढ़ाने से सम्यक दर्शन हमारा चला जाता है। जो आपकी बात रही, इसका दोष किसको लगेगा? तो यदि साधु मना करता है तो साधु के खाते में भी जाएगा, और श्रावक नहीं दे रहा है उसके खाते में भी आएगा। दूसरी बात, ये भी जरूरी नहीं है कि संतों ने मना ही किया हो, उसकी खुद की मानसिकता हो तो फिर साधु संतों को क्यों पाप लगेगा? उसकी खुद की मानसिकता है, वो नहीं लगा रहा है तो अपने अंतराय कर्मों को बांध रहा है, अपने सम्यक्त का विघात कर रहा है, सम्यक दर्शन से दूर हो रहा है। तो निश्चित है ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है वह ठीक नहीं है। इसका दोष दोनों को भी लग सकता है और एक को भी लग सकता है।